हेलो एंड वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आपका यशराज मोटर्स पर, क्योंकि हम वहीं पर आए हुए हैं और आज जो है फिर से कार दिखाएंगे आपको। और चूंकि आज की कारें भी सस्ती होने वाली है, कोशिश करेंगे सारी की सारी कारें 2 लाख के अंदर ही हों, बट एक दो अगर महंगी भी रहती हैं तो मैं वो ज़रूर बताऊँगा। और फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मुझसे कुछ जानना है तो ये रहा इंस्टाग्राम आईडी और इसके अलावा मेरी जो ट्विटर हैंडल। बट अगर कार लेना है, चूंकि आप लोग मुझे मैसेज करते हैं भैया ये कार दिला दो, तो मैं कार नहीं दिला पाता हूँ क्योंकि मैं बनाने का काम करता हूँ या फिर बहुत व्यस्त रहता हूँ इसको शूट करना एडिट करना। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वो है यहाँ के जो भी ऑनर हैं या फिर जो भी संबंधित हैं इससे उनका नंबर रहेगा, तो उनको प्लीज़ कॉल कर लें और बिल्कुल आपकी डील हो सकती है। तो चलो, आज बहुत सारी गाड़ियां हैं वैसे तो दिखाने के लिए, और जिनको वरना चाहिए थी भाई साहब आपके लिए स्पेशली आए हैं हम, तो 2-3 वरना तो दिखाएंगे एटलीस्ट। और हवा थोड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। हमारे साथ हैं मिस्टर तिवारी जी और ये हमें हेल्प करेंगे कार दिखाने में। सो हेलो टू द कैमरा। चलो, फिलहाल जो हम दिखा रहे हैं MP41 की 2010 का मॉडल है, सफारी का, और देख रहे हो आप मतलब बजर वगैरह सब कुछ लगे हुए, लाइट वगैरह, तो काफ़ी स्पेशल गाड़ी होने वाली है। थोड़ा सा आपको काम ज़रूर कराना होगा, आप नहीं कराएंगे तो भाई साहब कह रहे हैं कि हम करा के देंगे सारी चीज़ें, डेंटिंग पेंटिंग जो हो रखी है, लेकिन अभी जो खड़ी है वो है ओरिजिनल कंडीशन में। इसका कौन सा वेरियंट है ये वैसे? सफारी सेकेंड टॉप। सेकेंड टॉप वेरिएंट है और 2010 का मॉडल। एक बार अंदर से व्यू आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं, और व्यू में देखने की बात करें तो सीट यहां पर काफ़ी मतलब लेग स्पेस तो भाई साहब भर भर के दिया होता है इसमें। और यहां पर जो है ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि इसके कंट्रोल्स हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम है। आगे अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वहाँ पर ये लगा हुआ है सारी चीज़ें। और एसी तो देख सकते हो आप, आगे के लिए पीछे के लिए ऊपर नीचे सभी जगह एसी मिलेगी। खैर यहाँ पर भी कुछ सिस्टम्स हैं अलग अलग तरीके के, और ये आपको आर्मरेस्ट भी दोनों सीट्स के लिए आगे के लिए मिल जाएगा। जी तिवारी जी, कौन सा? जैसे कि 2010 का मॉडल है, और अगर प्राइस की बात करें तो 2,75,000 रुपये डिमांड है, बट ये 2,50 में भी फाइनल हो सकती है, ये मेरा अंदाजा है, खैर मुझे पता नहीं है। और अगर ऑनर की बात करें तो फर्स्ट ऑनर है, और किलोमीटर्स कितनी चली होगी? अराउंड 80,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है। अगली गाड़ी हम आपको दिखाएंगे स्कॉर्पियो है, सिल्वर कलर की गाड़ी है। खैर हम चलो आपको पूरा बैक साइड से दिखाते हैं। मेरे पैर में चोट भी लगी हुई है तो थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा के ज़रूर चल रहा हूँ कल, क्योंकि आपने अगर नहीं देखा तो ये वाला वीडियो देखें। ट्रैकिंग पे गए थे हम लोग और बहुत मज़े आए। तो ये है LX जो स्कॉर्पियो में आती है, वो वाला वेरियंट है। चलो एक बार अंदर से आपको व्यू दिखाते हैं इसका। सो अंदर की बात करें तो अंदर कुछ इस तरह का है सीन। यहाँ पर स्टेयरिंग मिल गई, बड़ी सी LED मिल गई, जो कि हर स्कॉर्पियो में मुझे देखने को मिलती है मैक्सिमम में, मतलब हर में तो नहीं कह सकते। सीट काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर सारे के सारे पावर विंडोज़ मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर कप होल्डर, AC का ऑप्शन, नहीं दोनों AC का ऑप्शन नहीं, यहाँ से दिख नहीं रहा है मुझे, शायद कैमरे में आपको अच्छे से दिख रहा हो। और ये बैक साइड के नज़ारे भाई सब, तो मतलब नज़ारे देख लीजिए आप, समझ में आ जाएगी चीज़ें आपको। और यहाँ पर ये फंक्शन है, ये एक्चुअली किस चीज़ का है मैं देखना चाह रहा हूँ, ये प्लेयर है कि क्या है? तो ये प्लेयर है भाई साहब, मतलब अलग ही लेवल का होने वाला है। TFT डिस्प्ले है और ये रोटेट भी हो जाता है भाई साहब, मतलब जिसको जिधर देखना हो वो उधर देख सकता है, और जिसको नहीं देखना है वो डिस्टर्बेंस के लिए बंद कर सकता है। चलो इसकी डिटेल जान लेते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर गुजरात जरूर लिखा हुआ है, लेकिन MP09 करके मिलेगा आपको। 2012 की सेकेंड ऑनर की गाड़ी है, 4 लाख रुपए इसकी जो है डिमांड रखी गई है, 4.5 है, 4 तक में हो सकता है फाइनल हो जाए। ये जो वरना है ये हमारे पास जो है ऑरेंज कलर की देखने को मिलेगी आपको, ब्लैक कलर का टॉप है इसका। और अगर इसकी बात करें तो चलो बैक साइड से भी दिखाना बनता ही है, और उसके बाद हम इसकी डिटेल अंदर से दिखाने के बाद डिटेल में बात करेंगे। 1.6D जो है इसका वेरिएंट है, अगर आप वेरिएंट के बारे में नॉलेज जानना ही चाहते हैं, क्योंकि हमेशा कमेंट करते हैं कि आप सब चीज़ें दिखाया करो, तो दिखा देता हूं अंदर से दिखा देता हूं। तो अंदर से लुक कुछ इस तरह का आएगा इस वरना का, और बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब आप अमेजन कर सकते हैं इसमें कि आप बैठे हुए हैं यहाँ पर इस सीट में और चला रहे हैं इस गाड़ी को, तो कैसे लगेंगे
भाई साहब मुझे तो बहुत पसंद आई है, और वरना वालों बहुत डिमांड थी आपकी, तो आज ये डिमांड पूरी होने जा रही है। और ये है वरना की सारी डिटेल मैं बता देता हूँ, 2019 का वैसे ये मॉडल है। अरे मैंने बात, ये जो वरना आप देख रहे हैं 2019 की है, दिसंबर की, यानी कि ऑलमोस्ट 2020 लग ही चुका था। और अगर बात करें फर्स्ट ऑनर है, 7.5 लाख रुपए इसकी डिमांड जो है रखी गई है। तो जो भी नेगोशिएशन होगा वो हो जाएगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। कंडीशन एकदम फ्रेश है इसलिए इतनी कीमत है, बाकी आप बैठ के बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली वरना भी हमारे पास MP09 की है, वाइट कलर में है, और मॉडल भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और ये ड्राइवर साइड से लुक देख लीजिए आप, और ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके मॉडल की बात करें तो 2012 की 13 में रजिस्टर्ड है, पुश बटन स्टार्ट। 2012 की है, 13 में रजिस्ट्रेशन है, पुश बटन स्टार्ट वाली ये व्हीकल है। तो इसको चलो अंदर से ही दिखा देता हूँ बिना टाइम गवाए। बात अगर इंटीरियर की हो तो इंटीरियर में आप सारे फंक्शन जो है गाड़ी के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ORVM वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर बात की जाए तो ये है गाड़ी का स्टीयरिंग, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। आगे अंदर अगर चलें तो यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट के बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको जो है AC, इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये सीट वगैरह बहुत प्यारी लग रही हैं। और पीछे भी आर्मरेस्ट मिल जाएगा, तो मतलब काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये, कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। और चूंकि पुश बटन स्टार्ट के साथ में आती है, और यह सामने आप देख सकते हैं, तो ये है कंप्लीट वाइट कलर की वरना। जिसको भी पसंद आए वो ले जाए, वरना कोई और ले जाएगा। तो ये है सारा सीन, चलो डिटेल बता देता हूँ इसकी। तो ये गाड़ी जो है 2013 में रजिस्टर्ड है, 4.5 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही, कंडीशन आपने देख ही ली है। और किलोमीटर कितनी चली है? 80,000 के तकरीबन चली हुई है। तो ये है गाड़ी कंडीशन। और हाँ एक और चीज़, जब भी थंबनेल देखते हैं आप कहते हैं कि भाई 60,000-70,000 लिखा होता है, गाड़ियाँ 4 लाख-3 लाख की रहती हैं। तो ये है कि मिनिमम जो गाड़ी का प्राइस रहता है जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, हमेशा वो प्राइस जो है आप थंबनेल में देखेंगे, तो ये सीन रहता है। और बाकी अगर आपको बुरा लगता है उसके लिए सॉरी कह सकता हूँ मैं। सो ये है फोर्ड की फिगो, और ये जो है 2012 की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो इसकी अगर प्राइस की बात करें 2.25 लाख रुपए डिमांड है, यानी 2,20,000-25,000 रुपए इसकी डिमांड रखी गई है। खैर 2 लाख के अंदर भी आपको 2 में भी डील हो सकती है संभावना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो प्लीज़ आप जो है आप अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऑनर की बात करें इसकी तो सेकेंड ऑनर की गाड़ी है। और अगली है हमारे पास ऑल्टो, 2010 का मॉडल है, ओम साई लिखा हुआ है। खैर मैं ओरिजिनल बात बता दूँ, पेंटेड गाड़ी दिख रही है क्लियरली, आप भी आएंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। और ओरिजिनल चीज़ें बेची जाती है, जो भी है वो आपको बता देंगे। तो ये गाड़ी है, इसकी कितनी डिमांड है? 1,20,000 रुपए है, तो समझ गए 10,000 रुपए की गुंजाइश रहेगी, तो वो कम हो जाएगा। अगली गाड़ी पे हम चलें तो हमारे पास है नैनो। नैनो की बात करें तो MP14 की गाड़ी है, और ये 2012 का मॉडल है अगेन। और इसकी कीमत रखी गई मात्र 51,000 रुपये, मतलब एकदम शगुन के तौर पर, और जो मकान की बुकिंग होती है उसके तौर पर हम इसके पैसे लेंगे। और ये गाड़ी जो है आप ले जा सकते हैं। अच्छा इसमें RTO मिलेगा कि नहीं, मतलब ट्रांसफ़र होके? ट्रांसफ़र का थोड़ा चार्ज होगा, 2,000-4,000 रुपये, वो आपको अलग से देना होगा। ये हमारे पास अगली गाड़ी साइंट्रो। तो साइंट्रो माफ़ी चाहूँगा, अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि है ना बहुत सारी, खैर दिखाई देते हैं चलिए आपको, खुली हुई है गाड़ी, कोई समस्या नहीं है। ये है साइंट्रो कंप्लीट कंडीशन, LPG जो है कंपनी फिटेड लगा हुआ है। तो मतलब एक समस्या तो आपकी सॉल्व हो गई कि भैया LPG नहीं लगाना है, क्योंकि LPG हमने लगाने का प्राइस कॉस्ट सब कुछ बताया हुआ है, जिसका वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। और काफ़ी महंगा लगता है 20-25,000 रुपए का। LPG से फ़ायदा ये होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी, पेट्रोल के रेट जो है 100 रुपीज़ चल रहे हैं। तो ये है ऑल्टो का, कितना बताया इसका? 45,000 रुपये नेगोशियेबल है। 1,45,000 रुपये साइंट्रो का है, और उसमें भी नेगोशियेबल है, मतलब थोड़ा बहुत गुंजाइश जो है वो हो जाएगी। MP04 की है, टैक्सी पासिंग है। ये है इंडिगो, क्या मॉडल है? 2017 का मॉडल है। और ये जो प्राइस इनकी है वो मैं बता रहा हूँ भाई, मैं
अगर आप चाहें तो वीडियो को चलाने के लिए मैं इसको 25,000-30,000 भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो इनकी प्राइस है आप आएंगे तो आपको भी यही बताएंगे, थोड़ा कम ही बताएंगे, है ना। तो वो चीज़ मैं कन्वे कर रहा हूँ, आप घर बैठे बिना धूप में आए आप देख पा रहे हैं, ये मेरा काम है। और खैर अगर अंदर से देखना चाहें तो अंदर से दिखा देता हूँ मैं आपको। तो कुछ इस तरह की, खैर ये टॉविल लगी, इसको हटाएंगे तो अच्छी खासी आपको लेदर की, लेदर नहीं बट अच्छी वाली सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। और ये कंडीशन है गाड़ी की अंदर की। चलिए इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं, क्या प्राइस है। 2017 की है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, टैक्सी पासिंग जरूर है। 1,80,000 रुपये की डिमांड रखी गई है, कम होने की गुंजाइश है, 10-20,000 जो भी होगा कम कर लेंगे। किलोमीटर कितनी होगी? 60-70,000। बाकी और जानकारी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, वहाँ पर नंबर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के लिए ये वीडियो देखें, इस तरह से डिस्क्रिप्शन ओपन होगा। और ये देखिए अगली है MP09 की इंडिका, ये है गाड़ी 2008 की, सेकंड ऑनर गाड़ी है। खैर जो भी कंडीशन आपके सामने है और आपको सारी चीज़ें बता के देंगे। और ये गाड़ी अगर अंदर से दिखाऊं तो अंदर से भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आएगा इसका, और ये बैक साइड का लुक। तो भाई साहब ये है गाड़ी सारी की सारी यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बीट और दिखा देता हूँ आपको। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका क्या है, 1,00,000 रुपये डिमांड है, बाकी आप जो भी आएंगे थोड़ा बहुत गुंजाइश हो जाएगा। और 2008 का है। अगली है शेवरलेट वीट 2010 की, थर्ड ऑनर गाड़ी जरूर है, LPG किट लगी है, मतलब कि एक बहुत बड़ी चीज़ लगी हुई है। 20-25,000 का ऑलरेडी खर्चा हो रखा है इसमें, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। एडवोकेट का साइन भी लगा है, यानी कि हमें लगता है कि एडवोकेट की गाड़ी होगी। बट ये देख लें बैक साइड से आप, ये है वीट और MP04 का जो है ये मॉडल है। और यहाँ से अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर कुछ इस तरह का जो है देखने को आपको मिल जाता है। तो ये गाड़ी का सीन है, अगर प्राइस की बात करें इसकी तो 1,25,000 रुपये, यानी 1,25,000 रुपये इस वीट की डिमांड रखी गई है। कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत प्यारी है। मॉडल कौन सा बताया? 2010 का मॉडल है। तो ये फाइनली होने वाली बहुत अच्छी गाड़ी आपके लिए। डस्टर की क्या डिमांड रखी है? 4,50,000 रुपये मॉडल 2014 का, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी है, इसको हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपको चाहिए तो ये खड़ी हुई है, उसके लिए आपको कॉल करना होगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। ये वीडियो हम ऑलरेडी इस गाड़ी का बना चुके हैं, तो फिलहाल इस गाड़ी को भी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कम गाड़ियाँ दिखाई मुझे पता है और यहाँ पर अवेलेबल भी हैं। बट बहुत जल्दी गाड़ियाँ यहाँ पर और बहुत सारी होने वाली हैं, स्टॉक जैसे ही आएगा हम फिर से दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर ये गाड़ियों में से कोई पसंद आई तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। तुलसी नगर पुलिया है, पुलिया के पास में ही यशराज मोटर्स करके है, इनका शोरूम है। जब भी आप हाईवे साइड जाएंगे बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज राजीव द्विवेदी साइनिंग ऑफ, टिल देन नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो।